और नजदीकी से बोलो। कोई बात नहीं, बोलते मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और सभी अधिकारी और सभी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बंधुओं और माता और बहनों नौजवानों, क्योंकि बहुत समय हो गया, लंबा समय के देश की आजादी को भी बहुत दिन हो गए और हमारे बावनवास के भी बहुत दिन हो गए लड़ते लड़ते, कि मेरा एक ही लक्ष्य पूरा कि आप लोगों ने कहा देखा होगा मैंने मेरी जबान से कह दिया उस पर पीछे नहीं हटता मैं, कि मेरा एक निशाना है कि हमारे विरोधियों को हमने उठा करके फेंक दिया, अब ये आपके हाथ में है। मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि हमारे बावनवास की जनता भी इस बात पे नाराज है कि बावनवास की ठेकेदारी थोड़ी है, हम बावनवास की ठेकेदारी भी समाप्त कर देंगे। आप लोगों से आग्रह आपके जिता देना, हम आपका आए हैं मेरे के चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हुए घोषणा है हमारा, क्योंकि देश की आजादी के साथ साथ बावनवास में भी सारे लोग जितने भी लोग जीते रहे आजादी से लगातार कंटिन्यू जीते रहे और माई बनी रही और मजबूरी थी हमारी। भाई अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि वे हमने बहुत प्रयास किया, मैं मजबूरी में मेरे को तो जबरदस्ती खड़ा किया नहीं, कोई उस जमाने में लड़ने वाला नहीं था इनके सामने, कि मेरे पास में कुछ नहीं था, इन्होंने जो बात बताई भाई साहब ने राम अवतार जी ने भी बिल्कुल सत्य है कि मेरे राजनीति में बहुत बहुत नुकसान और बहुत बहुत ऐसा संकट देखा जो कभी जिंदगी में नहीं देखा, कि ये एक महीने में 25 तारीख सात में इतना भी संकट देखा, बाकी भगवान की हमारी माँ के लोक और जनता की और गांव की बड़ी मेहरबानी थी मेरे पास और मेरे को इनने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि अभी मैं यही चाहता हूँ कि देश की आजादी के साथ साथ हमारी विधानसभा भी आजादी हो के करवा के जाए, इसमें मेरा भी कल्याण है और मेरा भी नाम होगा और मैं आप लोगों के बीच में विश्वास के साथ कहता हूँ, मैंने हमारी तहसील में भी ये कह दिया कि हमारी कोई ठेकेदारी नहीं, हमारी मजबूरी थी इनके सामने लड़ने की इसलिए लड़ते रहे, बाकी आप लोग विकास के मामले में हमारे एमपी साहब ने यही मंत्री जी भी रहे और बीसपुर की योजना इनकी भी मेहरबानी थी, हमारी भी थी और आपके पीने के पानी का टेंडर जितना भी हुआ जो तारा किया, बाकी जितने मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बताया